नमस्कार, एमकॉम मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। फिलहाल मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज जब किसानों के इस प्रदर्शन को एक वर्ष पूरा हो गया है तो सभी किसान एकजुट होकर के देश के अलग अलग इलाकों से यहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन साथियों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है। और साथ ही यहाँ संविधान दिवस का भी आयोजन किया गया है। संविधान जो हम सबकी रक्षा करता है और इस देश को एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है जहाँ सभी लोग सुरक्षित हैं और स्वतंत्र होकर के अपने लिए एक ऐसे माहौल का निर्धारण करते हैं राज्यों के द्वारा और राज्यों की सरकार के द्वारा, जहाँ राज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जहाँ कितने मंत्री होंगे, कितने संतरी होंगे और किस प्रकार के अपराध के लिए किस तरह की सजा दी जाएगी, न्यायालय किस तरह से फंक्शन करेगा या राजनीति प्रक्रिया हमारी क्या होगी, सभी के लिए यहाँ प्रावधान दिए गए हैं। तो आज उसी संविधान दिवस के उपलक्ष्य और उसी अवसर पर जब एक वर्ष पहले नरेंद्र मोदी ने आज इस सत्र भी लोकसभा में आनन फानन में ऐसे कानून बना दिए जिसका खंडन पूरे विश्व से किया गया और विभिन्न मंचों से किसानों की इस आवाज़ को दृढ़ता दी गई है, तो किसानों का यह आंदोलन आज उस दिन को मना जरूर रहा है कि जब कानून रद्द किए जा चुके हैं लेकिन मूल्यों के निर्धारण की लड़ाई आज भी जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अतीक। अतीक, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। अतीक, क्या कहेंगे आज जब श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उन साथियों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है एक साल से चल रहा है और आज जो है आंदोलन का दिवस भी है और संविधान दिवस भी है। पहले तो मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और जो हमारे किसान इस एक साल के संघर्ष में शहीद हुए मैं उनको दिल से सलाम करता हूं और उन्हीं की वजह से आज जो यहां किसान इकट्ठा हुए हैं, ये चहल पहल है, उनका जो खून है, उनकी जो कुर्बानी थी वो आज रंग लेकर आई है। जो 19 तारीख को सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी झुके और उन्होंने जो कहा कि हमें हमारी जो गलती हुई और हम जो है अपने किसान आंदोलन वो किसान भाइयों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उन किसान उन शहीद किसानों से माफ़ी अभी नहीं मांगी है उन्होंने, तो ये बहुत अफसोस की बात है। क्यों? देश के प्रधानमंत्री होकर और 750 या 750 किसान शहीद हो गए लेकिन उनके लिए एक भी संवेदना व्यक्त नहीं की। तो ये चीजें उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं और राजनीति में ध्रुवीकरण एक बार फिर से जारी हो गया है, वोटों को बटोरने की यहाँ पर साजिश रच दी गई है। क्या कहेंगे जब ऐसे मौके पर ये कानून वापस लिए गए हैं जहाँ आप देख रहे हैं कि वोटर पहले ही राह देख रहा है कि कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर होगी? नहीं, ये तो वही वाली बात हुई ना कि रहनुमा हम पर कुछ इस तरह एहसान करते हैं, आज रहनुमा हम पर कुछ इस तरह एहसान करते हैं, पहले छीन लेते हैं आंखें और फिर चश्मे दान करते हैं और जब वक्त आता है इलेक्शन का तो बन जाते हैं हमदर्द, जब वक्त आता है इलेक्शन का तो बन जाते हैं हमदर्द और जब सरकार बनने के बाद फिर हमारा ही कत्लेआम करते हैं। अगर ये चीज़ सोच के उन्होंने जो है कानून वापस लिए हैं कि 5 स्टेट में चुनाव हैं तो वो चीज़ अब जनता भटकने वाली नहीं है, वो जानती है कि सरकार बनने के बाद हमें फिर इसी तरह से रोडों पर बैठना पड़ेगा अगर इस तरह की तानाशाही करने वाली सरकार फिर से आ गई तो ये तो पूरी तरह से जो है इनका फैसला बेकार है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये उसकी वजह से लिए हो या कि कोई भी, लेकिन मेन वजह यह है कि जो एक साल तक यह किसान टिका है, यहाँ पर बैठ के संघर्ष किया है, हमने अपने बीच से अपने किसान भाइयों को खोया है, ये उनकी जीत है, उनकी वजह से ये झुकना पड़ा है। और जो ये काले कानून थे ये कानून हमारे फेवर में नहीं थे, किसानों के फेवर में नहीं थे, इसलिए वापसी लेने पड़े। वो कुछ चंद लोगों के लिए, करोड़पतियों के लिए जो है, अंबानी अडानी के लिए इन्होंने जो है ये कानून लेकर आए थे, लेकिन ये जो किसान था, अन्नदाता था, इसके सामने झुकना पड़ा उनको। क्या कहेंगे विकास की वो तस्वीर जो अभी हमारे पीछे बैकग्राउंड में, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, आप लोगों को दिखाई देगी विकास की वो तस्वीर कि यहाँ ब्रिज के ऊपर से लगातार गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इसमें हर आयु वर्ग के लोग सफर कर रहे हैं लेकिन देश का विकास आज भी धरा हुआ है क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा सभी को परेशान किए हुए, न केवल आज, न केवल 2 साल पहले, न केवल 16वीं लोकसभा में या 15वीं लोकसभा में, लगातार बेरोजगारी सभी के घर की परेशानी रही है। जहाँ किसानों की आत्महत्याओं ने आपको आपकी नींद को हराम किया है तो वहीं इस बेरोजगारी ने भी कहीं ना कहीं देश में क्राइम को फैलाया है। क्या कहेंगे थी कैसे में जब देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एक तरफ जहां वाणिज्य मंत्रालय है और हमारी केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें युवाओं को नौकरियां प्रोवाइड कराने में असफल साबित हुई हैं। देखिए, ये सरकार जो है जब से आई है केवल जो पेपरों पे जो है ये लिखित में, बोर्ड पे, बैनर पे,
दिल्ली के यानी उत्तर प्रदेश का विकास दिल्ली के अंदर मेट्रो में सफ़र कर रहा है। दिल्ली के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो रास्तों पे जो है बोर्ड तैरते हुए मिल जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश का दिखाया जा रहा है टैक्स के पैसे से, हमारे आपके खून पसीने की कमाई से। तो ये चीज़ें हैं। देखिए तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है, लेकिन किताबी दावों से कुछ नहीं होने वाला है। जो जमीनी स्तर पर जनता उस चीज़ को मतलब यह है कि तरस रही है रोजगार के लिए, किसान यहाँ भटक रहा है अपनी जो है मतलब MSP पे कानून बनवाने के लिए, यहाँ पर एक साल से लोग जो मतलब घूम रहे हैं यहाँ पर परेशान है सड़कों पर, इन्होंने ठंड झेली, इन्होंने जो है बरसात यहाँ काटी, इन्होंने आंधियाँ यहाँ झेली, तो ये सब देख रहे हैं कि क्या विकास किया है। आपने देखा जब महामारी आई थी तो ये सब लोग बिल में भर गए थे महामारी के अंदर, जो उससे पहले ये कहते थे प्रधानमंत्री जी कि हम हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, उन्होंने गंगा के अंदर हवाई यात्रा कराने का काम ये भी अभी जनता के ठीक सामने किया है। आपने देखा कि अंतिम संस्कार तक के लिए जो है मतलब लकड़ी नहीं इकट्ठी कर पाई, लकड़ी नहीं दे पाए, अंतिम संस्कार नहीं करा पाए, जो वहाँ पे मुस्लिम थे या नॉन मुस्लिम थे क्या पता कौन कौन उसमें नदी में बहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा प्रयागराज के अंदर, जो कि नाम बदलने के उसमें जो है करोड़ों रुपये उसमें खर्च किए गए, उस नाम बदलने की जगह वहाँ पर जो है लाशों को दबाना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जनता के सामने। क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री मोदी के अपने जो विचार हैं उन्होंने अपने अंदर दबा करके रखे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जितने भावुक दिखाई देते हैं स्क्रीन पर आपने उनको बहुत बार आंसू गिराते हुए भी देखा है, साफ करते भी देखा है, और मन की बात में वो जितना स्वयं को प्रभावित दिखाते हैं, जनता से जुड़ा वो अपना दिखाते हैं, तो वहीं जब किसानों की मृत्यु पर उनके मुँह से एक भी बोल नहीं निकला है तो सभी को अचंभित कर रहे हैं उनके ये भाव। कौन से भाव ये? देखिए जनता से जुड़े नहीं है वो जो है बहरूपिया वायरस ये चला था। देखिए जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ का रूप धारण कर लेते हैं, जब नदी के पास जाते हैं तो वो माँ गंगा के लाल बन जाते हैं, जब कहीं जाते हैं तो चौकीदार बन जाते हैं, कहीं फकीर बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बिल्कुल सुनिए। तो ये इसलिए जनता को विश्वास नहीं है, वो जनता के साथ में जो उन्होंने धोखे किए हैं, जो जुमले फेंके थे, कोई उनका गृह मंत्री आके वो जुमला बता देता है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए जो जनता को विश्वास नहीं है। और जनता के बीच अगर दुखी होते तो वो यहाँ आ सकते थे, केवल 20 किलोमीटर की दूरी है, ये एक साल हो गया यहाँ पर किसानों को बैठे हुए, अन्नदाता से बड़ा तो कोई होता नहीं, अन्नदाता यहाँ पर बैठा, यहाँ पर 90 साल के बुजुर्ग भी बैठे हैं, यहाँ पर 104 साल के बुजुर्ग भी आए हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप देखिए ये सामने देखिए अंकल जी, यहाँ पर मौजूद स्वतंत्रता सेनानी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? कितनी एज के? नाम बताइए आपका। मेरा नाम है राजपाल सिंह, लिखता हूँ सिंह राजपाल सिंह, मेरठ का ठेठ हूँ। 1857 के महायुद्ध में मेरे दादा का परदादा शहीद हो गए थे, इसे अपना नाम लिखता हूँ सिंह राजपाल सिंह। कक्ष 8th क्लास में मुझे महाकवि करते भी महाकवि करते, 25 साल तक किसान था, 35 साल इन्हीं की नौकरी की, ना हेरा फेरी की ना करने दी, सही है। अब फिर से किसान हूँ, मैंने कविता लिखी किसानों के लिए, 3 सुनोगे? महिलाओं मजदूरों किसानों और नौजवानों का मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ पिछले 1000 साल से, इंसाफ ना मिला आज तक और फैसला ना अभी तक। मैंने ले लिए 100 जन्म आज तक, सैकड़ों जज, हजारों वकील, लाखों गवाह पहुँच चुके हैं स्वर्ग आज तक, इंसाफ ना मिला आज तक, फैसला। जब दिलों में इंसाफ ना तो इंसाफ का खाक होगा, जब दिलों में इंसाफ ना फिर इंसाफ का खाक होगा, फिर पाप ही पाप होगा। हमने भी कस्में खाई हैं दोस्तों, चाहे मुझे लेने पड़े हो 100 जन, महिलाओं मजदूरों किसानों नौजवानों का ये मुकदमा मैं लड़ता रहूँगा अगले 1000 साल तक। हम भी आस लगाए बैठे हैं दोस्तों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो खुदा महादेव आसमान से गरजेगा, धरती पर इंसाफ इंसाफ के लिए इंसाफ सब करेगा। 8th क्लास में महाकवि करते भी महाकवि करते हैं, सही है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, संवेदना प्रकट करना भूल चुके हैं, उनके शब्द कहीं खो चुके हैं, जो किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, जहां आज यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तो इस सभा के आयोजन के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक संबोधित नहीं किया है उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है इस बड़ी लड़ाई में, जहाँ देशभक्ति और देशभक्त होने का अपना डंका पीट रहे हैं। मन की बात में जनता से जुड़ाव की बात करते हैं, तो आज कहाँ हैं उनके वो शब्द? मैं तो किसानों के साथ हूँ जी, किसानों के साथ हूँ, हरदम 24 घंटे किसानों के साथ हूँ, 8 बजे सो जाता हूँ, 2:30 बजे जाग जाता हूँ, और रोज लिखता हूँ जो मेरे मन में आती। एक और सुनो किसानों के लिए, धन्यवाद।
तो मैडम सिर्फ आएगा जी, थोड़ा सा साइड हो जाओ। मैडम दो लाइन कहनी बस, थोड़ा सा पीछे हो जाओ क्योंकि लंबे ज्यादा हो। हाँ लंबे ज्यादा, वही कैमरे में सही से आने। क्या कहोगे? एक रागनी है, दो लाइन कहेंगे बस। मेरा सीमा दर मात मेरी तू आजादी का चोला, इरा मुझको तो मिटना है अपने वतन पे रे भड़का दिल में सोला। बोलो जय जय हिंद, ओ बोलो जय जय हिंद, जय हिंद जय भारत। जो भी काम है सिर्फ आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, कहीं पर किसानों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ का काम जो है उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं हुआ है। और तो पांच राज्यों के चुनाव है और वोटों का ध्रुवीकरण जारी है, क्या कहेंगे आप जी? इसमें मेरा विचार है, वैसे तो मैं जो है अराजनैतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा जहां तक विचार है, अगर कहीं कोई अतिशयोक्ति ना हो तो पांचों राज्यों में इस सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो आपको कुछ कहना है? जी इस सरकार का हाल ये है कि घोटालों पर घोटाले, ये घोटाले अजब निराले, लोकतंत्र को लूट रहे हैं, लोकतंत्र रखवाले, यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई, थानेदार ममेरा, ये भारत देश है मेरा, ये स्थिति कर दी है इस सरकार ने। तो जहाँ कानून रद्द किए जाने की इस लड़ाई में 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं यहाँ पर सभी संवेदना प्रकट कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही, आशा की जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी मूल्यों का निर्धारण कर इन किसानों को छुट्टी देंगे और एक बार फिर ये किसान वापस अपने अपने प्रांतों में लौटेंगे। जी इस तरफ आइए, कहीं है फटाफट, थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाइए। जी रामशरण सिंह राम है मेरा और बदायूं से आया हूँ। ये किसान आंदोलन की आवाज़ जो है गांव गांव गली गली मोहल्ले में पहुँच चुकी है, और जैसे आपने कहा था इलेक्शन चल रहा है तो किसान किसान ही पे वोट देगा, किसान बटेगा नहीं, ना धर्म ना राजनीति, पहले किसानी, और किसानी मुद्दा होगा, किसान अपने किसानी के मुद्दे पर मतदान करेगा। अब जैसा जो होगा वो होगा, लेकिन इस ये वापसी नहीं होगी, ये सरकार का जाना तय है। धन्यवाद। क्या कहेंगे बाबा जी आप यहाँ आए हैं? एक साल हो गया यहाँ सेवा लंगर की करते करते, तो पूरा गुजर गया है। हमारे लखीमपुर खीरी में उस दिन वहाँ थे टैनी मिश्रा, जिन्हों के लड़के ने मोनू अजय मिश्रा मोनू, उसने चार लड़कों को कुचल दिया बिना, उसकी दो बहनें नौजवान, एक ही उसका लड़का, उनकी बहनों का और उनका क्या होगा। और ये सरकार जब हमने खुद वोट दे के बनाया था, मोदी जी कह रहे अच्छे दिन आएंगे, वो अब वो आँखों से देखे अच्छे दिन गए। शारदा में इतना पानी एकदम से बांध के छोड़ा, किसी का गन्ना धान कुछ नहीं रहा, किसान का कुछ नहीं, बाकी किसी का नहीं कुछ बिगड़ा, सब किसान का बिगड़ा है। वहाँ कोई सांसद नहीं, कोई सरकार नहीं पहुँची, और लोग छपर के छपरों पर और अपने मकानों के ऊपर 8-8 फुट पानी में 3-3 दिन भूखे रहे। वो ये मोदी जी का ये देन हुआ, हमने खुद मोदी जी को वोट डाल के बनाया था अच्छे दिन आएंगे, अब देखने में वो अच्छे दिन आए हैं हमारे आँखों के सामने। आप आगे वहाँ देखते, जानवरों के लिए खाने के लिए पराली नहीं है, भूसा तो कहाँ रह गया, जानवर बह गए, बकरियाँ बह गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, ये मोदी जी की देन है। जय भारत जय किसान। धन्यवाद।